आप देख रहे हैं टीटीएन 24 और मैं श्रुति दुबे। बड़ी खबर आ रही है फरुखाबाद से, जहां मामला अमृतपुर के ग्राम जोगराजपुर का है, जहां आज तक सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया गया। जोगराजपुर के ग्रामवासियों का कहना है कि 3 जून को सड़क का निर्माण कार्य आरंभ किया गया था, उसके बाद एसडीएम पदम सिंह और लेखपाल द्वारा सड़क का निर्माण रुकवा दिया गया, जिसके कारण गांव वालों ने नाराजगी दिखाई। ग्रामवासियों का कहना है कि हमने पिछले 10 सालों से विधायक से लेकर सांसद तक सड़क के निर्माण के लिए कहा था, लेकिन किसी विधायक और सांसद ने हमारी बात नहीं सुनी। लेकर आए एसडीएम साहब के यहाँ सड़क की समस्या है हमारी। कहाँ की है ये? जोगराजपुर, ये अमृतपुर का गांव है जोगराजपुर। यहाँ आजादी के अभी बाद से अभी तक रोड नहीं हुई है। कितनी आबादी है? आबादी है 500। कितनी सड़क है? सड़क कितनी है? सड़क 1.6 किलोमीटर है आसपास। आपने अपने सांसद या विधायक जी से? नहीं सर, बहुत प्रयास कर चुके हैं हम पिछले 10 साल से, लगातार किया था, आश्वासन लगातार मिल रहा है हम लोगों को। मार्ग निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था, लेकिन एसडीएम महोदय द्वारा, हमारे क्षेत्रीय लेखपाल एसडीएम महोदय द्वारा कुछ साठ गांठ से कार्य रुकवा दिया गया है। क्या कारण क्या है जो रुकवा? कारण उनका क्या, कुछ जाति उन्होंने एसडीएम साहब ने समर्थन किया है उन लोगों का, यादव वर्ग का। और यहाँ रोड जो बन रही थी वो सही बन रही थी, हमारे गांव से विरोध बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरे गांव के लोगों खेत हैं, वो लोग बनना नहीं देना चाहते हैं। हालांकि वो लोग मौके पे ज़्यादा खेत जोते हुए हैं, ग्राम समाज की जमीन जोते हुए हैं, लेकिन वो मतलब हिलना नहीं चाहते कि रोड बन जाए। हम लोग पिछले 1 साल से लगातार डीएम साहब के यहाँ आ रहे हैं, हमें किसी नेता लोग से उम्मीद है ही नहीं, लगातार डीएम साहब के यहाँ आ रहे हैं। क्या आश्वासन मिलता रहा आपको 1 साल से? आश्वासन, कार्य प्रारंभ हुआ था 3 जून को, 24 घंटे बाद कार्य रुकवा दिया गया। एसडीएम साहब ने ये कहा कि अगर तुम्हें रोड बनवानी है तो जमीन खरीद के रोड बनवाइएगा। एसडीएम साहब बोल रहे हैं, क्या नाम है उनका? नाम उन्हें नहीं जानकारी, पदम सिंह नाम है कुछ है। अभी डीएम साहब से मिले आप? एसडीएम साहब से फोन पे हमारी बात हुई थी, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो पा, अगर तुम पंचायत करने लायक हो, पंचायत कर पाओ तो बनवा लो, नहीं अगर तुम्हारे बस की है तो रहने दो। अभी डीएम साहब से आप मिले हैं? डीएम साहब अभी आए नहीं है, हम सब लोग आए, करीब करीब 150 लोग हैं हमारे साथ गाँव में। ठीक, ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए टीटीएन 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।